नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल स्वयं पे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो LED बल्ब का बिजनेस है उसमें कुछ निगेटिविटी होती है। पॉजिटिविटी तो सबको ही बताता है, लेकिन निगेटिविटी भी होती है। हर बिजनेस के दो पहलू होते हैं, एक आपका फ़ायदा भी होता है। तो ऐसा नहीं है बिजनेस में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, बिजनेस में नुकसान भी होता है। तो आज की इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बिजनेस में फ़ायदा है तो नुकसान भी है, और नुकसान है तो फिर फ़ायदा भी है। ओके, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ड्राइवर्स LED बल्ब की, ये जो सर्किट है आप सभी लोग देखिए, ये सर्किट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सभी सर्किट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। यहाँ पे देखिए, ये सभी जो सर्किट हैं इनमें कुछ फॉल्ट होने की वजह से कुछ ना कुछ इनमें फॉल्ट है। अभी इनमें चेकिंग की जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक सर्किट की बात करें तो एक सर्किट आपका 18 से 20 रुपए की एक सर्किट होती है। ओके, एक ये जो सर्किट होती है 18 से 20 रुपए की होती है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखेंगे कुछ ये सर्कल ड्राइवर भी हैं, ये सर्कल ड्राइवर भी हैं। जैसे किसी कस्टमर को लगता है कि सर इसमें हम बना नहीं पा रहे हैं, ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम कह देते हैं चलो कोई नहीं सर, यदि दिक्कत है हमें सबसे पहले तो हम ड्राइवर सर्किट को देखते हैं, यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, 100 में से 2-4 में प्रॉब्लम होती है तो वो हम लोग रिप्लेसमेंट मंगा लेते हैं। उसके बदले में उनका कोई भी ऑर्डर होता है उसमें हम वो चीज़ उनको पहुँचा देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो इतनी सारी सर्किटें हैं, अभी ये जो सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल सर्किट है ACDC की। ये सर्किट की ही कीमत बताएं तो 40 से 45 रुपए एक सर्किट की है। यहाँ पे देखेंगे कितनी सारी ये आपकी, ये देख सकते हैं आप सभी लोग सर्किट हैं। ये देखिए, ये जो 9 वाट का रोम, 9 वाट की ये जो सर्किट है, कितनी सारी आप लोग सर्किट देख सकते हैं। इन सभी सर्किट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट होने के बाद में अभी इनमें क्या होना है, तो इनमें क्या होना है कि इनकी इनमें देखा जाएगा, इनमें चेक किया जाएगा कि इसमें किस कंपोनेंट में यहाँ पर प्रॉब्लम है, और उस कंपोनेंट को यहाँ पर चेंज किया जाएगा, और यदि सही करने लायक होगा तो सही किया जाएगा, वरना ये चीज़ वेस्टेज में जाएगी। अभी यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो अभी ओपन भी नहीं की गई है, ये पूरी PCB ये जुड़ी हुई है, इसको अभी निकाल के देखा भी नहीं गया। जैसे कोई लॉट आया तो लॉट जो होता है वो गिर पड़ा या कुछ हो गया, तो उसमें हमें डाउट रहता है कि हो सकता है कि इसमें कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से हम लोग इसकी पहले टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सारी सर्किट हैं। तो अभी एक सर्किट की मैंने बताया 20 रुपये भी आप लेके चलते हो तो कितनी सारी सर्किट है। तो ये निगेटिविटी होती है बिजनेस की। ऐसा नहीं है कोई भी बिजनेसमैन जो है सिर्फ फ़ायदा फ़ायदा देखता हो, और मेरे हिसाब से कोई अगर फ़ायदा फ़ायदा ही देखेगा तो वो कभी भी अपने बिजनेस में दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये सारा कुछ है, अभी ये है, ये ओपन भी नहीं की, ये सोल्डरिंग मशीन, तो ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेस्टेज मटेरियल है, इनमें से छांटे जाएंगे, कोई चलाने लायक होगा तो उसको चलाया जाएगा, तो इतना सारा पैसा भी फंसता है। हम लोग, आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने कस्टमर को सपोर्ट करूँगा, सपोर्ट, तो यही सपोर्ट होता है। मैं अपने कस्टमर को नहीं चाहता हूँ कि उसको कोई दिक्कत हो, लेकिन फिर भी 100 में से 2-4 लोगों को बराबर मदद नहीं हो पाती है मेरे द्वारा, तो इसका मुझे काफ़ी दुख भी होता है। ठीक है, कितना भी कर लें 2-4% तो ऐसा रहता है, हर किसी को तो खुश करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बिजनेस के लिए एक मोटिवेशन आप लोग ये भी रखिए कि यदि फ़ायदा है तो उसमें नुकसान भी होगा, यदि कोई छोटा मोटा नुकसान होता है तो उसको लेकर ही सिर्फ चुपचाप ना बैठे रहिए, उसको पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए, फायदा भी होगा। यदि नुकसान है तो फायदा भी होगा, और फायदा है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। यदि उस नुकसान को लेकर बैठे रहोगे तो जीवन में मेरे हिसाब से कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो बस मेरे को लगा कि आप लोगों को भी ये बताना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट में चलती है, नुकसान नहीं होता, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, ये बिजनेस है, ये धंधा है, सब कुछ होता है इसमें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।